40 लोगों को रुक दिया गया। हमने योजना तो अच्छी बनाई लेकिन अभी भी मुझे लगता है धर्म माँ को आजाद कराने में समय लगेगा। ऐसी बात नहीं है, सुना है कि भी चंद्रशेखर आजाद, केशव चक्रवर्ती, अशफाकुल्ला खान और सचिन नाथ बख्शी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। वंदे मातरम साथियों, वंदे मातरम। पुलिस ने बहुत छानबीन की, पुलिस की छानबीन में उनको पता चला कि बिस्मिल जी 9 अगस्त को शहर में नहीं थे। बिस्मिल जी को बिना शक के पकड़े गए और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अरे बिस्मिल जी कहाँ रहे? आज बसंत पंचमी का त्योहार है, कल मैंने अपने बसंत को कविता लिखने को कहा। अगर बिस्मिल को कहा था और उन्होंने हामिद कर दी है तो बिना लिखे नहीं आएंगे। हाँ ये बात तो है, ये बात तो है। अरे वो देखो बिस्मिल जी आ गए। बिस्मिल जी अरे पंडित जी आपने क्या लिखा है? मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। पंडित जी क्या लिखा है आपने? मेरा रंग दे बसंती चोला। क्या बात है पंडित जी, क्या लिख दिया आपने? मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। वाह कविता क्यों खराब कर रहे हो भाई? अरे वो जो अपने ग्राहक वो गायक साहब है ना, जिन्हें पद्मनाभ गीतों को गाने के लिए बंदी बनाया गया था, एक बार उनको क्यों नहीं बुला लेते? वो हम सबको एक अच्छी धुन बता देंगे, फिर हम इसी गाने पे नाचेंगे गाएंगे। हाँ सुनो, हम उनसे कहना अपनी ढोलकी और हारमोनियम देते हैं साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है सब? ये बड़ा भीड़ क्यों लगा रहे हैं? अरे लोगों को पता नहीं है कि देश में इतना भीड़ लगाना, हल्ला गुल्ला करना सख्त मना। अरे साहब आज हम लोग का त्योहार है, हम लोग को हल्ला बल्ला मनाने दे, थोड़ा त्योहार बना लेने दीजिए साहब। अरे साहब हम लोग इतने दिनों से कैद में, आज तो मान जाइए आप, त्योहार मनाने दीजिए ना। अरे मान जाइए, मान जाइए। ठीक है ठीक है, शांति पूर्वक करना, ज्यादा शोर शराबा मत करना, मुझे ऊपर भी जवाब देना। ठीक है ठीक है। देखिए मैंने ये कविता लिखी है आपको, हम सभी को इसकी धुन बतानी है ताकि आप सब मिलकर इसको गा सकें। हाँ बड़ी सुंदर लाइन धुन बता दीजिए आप लोग हमारे साथ जाइएगा। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। Thank you.
Thank you.